महारानी चाकली कहाँ है? मेरी चाकली, जानती है मैं तेरे लिए कितने सारे उपहार लेकर आया हूं देवपट्टन से। ये देखिए कितने सारे खिलौने। महारानी हमारी चागली बिल्कुल आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। महामंत्री नीलकंठ जी, आप हमें कौन सी ऐसी आवश्यक सूचना देना चाहते थे जिसके लिए हमसे आपातकालीन बैठक का आग्रह किया आपने? समाचार अत्यंत गंभीर है महाराज। भारतवर्ष के उत्तरी प्रांत मुल्तान सिंध एवं पंजाब में गजनी के अमीर महमूद गजनबी के आतंक से वहां की प्रजा में त्राही त्राही मची है। उस नृशंस विधर्मी ने बर्बरता की अति कर दी। उसके निर्मम हत्याकांड से वहां की प्रजा पलायन पर विवश हो गई है महाराज। और महाराज अब उसकी कुदृष्टि हमारे गुजरात पर। असंभव, असंभव। हम उस नृशंस लुटेरे को उसके उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने देंगे। सेनापति बलभद्र जी, पंजाब सिंध मुल्तान के सभी राजाओं को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। हम भारत की पवित्र भूमि पर किसी भी निरंकुश निर्दयी लुटेरे को पांव नहीं धरने देंगे। महामंत्री, सेना को तैयार रहने का आदेश दिया जाए। हम स्वयं उसका दमन करेंगे। हाँ सही कह रही थी। भरूचवासियों, ऐसे जघन्य अपराधियों को क्या दंड दिया जाए यह निर्णय हम अपनी प्रजा पर छोड़ते हैं। मृत्युदंड, 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 मृत्युदंड। हम अपनी प्रजा के निर्णय एवं राजकीय नियमों का पालन करते हुए यह आदेश देते हैं किसी समय इन तीनों के साथ धड़ से अलग कर दिया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, जिस तरह आपने बिना एक पल गवाए ये न्याय किया उसी तरह उस देवदूत को भी पुरस्कृत कीजिए। देवदूत? जी महाराज, मेरे लिए तो वो देवदूत हैं। यदि उसने इन दुष्टों पर पिसी हुई मिर्च न फेंकी होती तो न ही अपराधी पकड़े जाते और न मैं अपने आप को बचा पाती। नहीं, संध्या उसे पुरस्कृत करेंगे। कौन है वो शूरवीर जिसने ऐसी बुद्धिमता का परिचय दिया? कौन है वो? निसंकोच सामने आए। महाराज, इन अपराधियों का एक साथी भागने में सफल हो गया। मुझे विश्वास है कि वो देवदूत उसे भी बचकर जाने नहीं देगा। कहाँ है वो जिसने मेरे तीन साथियों की जान ली?
बुलाइए और जल की व्यवस्था भी कीजिए। शोभना को क्यों मारना चाहता था? बोल, बोल, जवाब दे। मर गया दुष्ट। हर युद्ध में बुद्धिमत्ता से विजय प्राप्त की जा सकती है। हिंसा माध्यम नहीं पर अंतिम विकल्प हो सकता है।